साथियों, ईमानदारी के साथ जो आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन दे रहा है, वेल्थ क्रिएट कर रहा है, सरकार उसके साथ मजबूती के साथ खड़ी है। उसके लिए कानून को निरंतर सरल किया जा रहा है, पुराने कानूनों को समाप्त किया जा रहा है, फेयर कंपटीशन को बढ़ाने के लिए हम करप्शन और क्रोनिज्म को दोनों से हम सख्ती से निपट रहे हैं। बैंकिंग हो या एफडीआई पॉलिसीज हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का अलॉटमेंट, क्रोनिज्म को हर जगह से हटाया जा रहा है। हमने ध्यान दिया है सिंप्लीफिकेशन पर, रेशनलाइजेशन पर, ट्रांसपेरेंसी पर। टैक्स विवादों को सुलझाने के लिए अब हम इस बजट में विवाद से विश्वास इस नाम की एक नई योजना लेकर के आए हैं। लेबर रिफॉर्म की दिशा में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी परसों ही सरकार ने कंपनी एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए कई प्रावधानों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। और मैं हैरान हूं जी कि जब ये कानून बना था और हर चीज में जेल में डालो, हर चीज में जेल में डालो, तो आप लोगों ने चिल्लाहट क्यों नहीं की, मुझे आश्चर्य हो रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स ने उस समय कुछ लिखा होता है तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। साथियों, आज भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में है जहां कॉरपोरेट टैक्स सबसे कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सिर्फ 5 साल में रिकॉर्ड 79 रैंक का सुधार करने वाला देश भी भारत ही है। सरकार के इन प्रयासों के बीच विदेशी निवेशकों का भी भारतीय अर्थव्यवस्था में भरोसा लगातार बढ़ रहा है। कुछ देर पहले ही यहां पर आपने ब्लैकस्टोन के सीईओ को सुना, वो कह रहे थे कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है और वह अपना इन्वेस्टमेंट डबल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आपने सुना है, साथियों, 2019 में देश में करीब $48 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। ये ग्रोथ रही 16% से ज्यादा, 16% से ज्यादा। इसी तरह भारत में पिछले साल $19 बिलियन का प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आया। इसमें भी ग्रोथ करीब करीब 53% से ज्यादा रही है। देश फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी उसमें भी अब निवेश बढ़ा रहा। पिछले साल ये निवेश करीब $19 बिलियन का था। साफ है कि नए विकल्प तलाश रहे निवेशक भी अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं।